अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए, जो भी पसंद हो, आप उसमें ले सकते हैं। मैंने ये वाली सब्ज़ियाँ ली हुई है और सर्दियों में सब्ज़ी अच्छी लगती है। मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ चीज़ें बॉयल करनी है और कुछ हमने स्टर फ्राई कर लेनी है। उसके लिए मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप जितना पानी होगा। इसके अंदर हम बॉयल करेंगे 3 जवे लहसुन के, 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्चें, 1/2 छोटी साइज़ का प्याज मोटा मोटा कट कर लिया है, मीडियम साइज़ के टमाटर 1.5 लिया हुआ है मैंने, इसको मैंने छिलके निकाल के इस तरह से कट कर लिया है, छोटी साइज़ का 1/2 आलू। ये हमारी ग्रेवी के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और हम इसको बॉईल करने रख देंगे। सब्जियों में मैंने लिया हुआ है, आपको जितनी चाहिए उतनी ले। मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ली हुई, मैं इसकी क्वांटिटी नहीं बताऊँगी मगर थोड़ी थोड़ी मैंने ली हुई है। जैसे ये एक बड़ा वाला मैंने लिया हुआ है आलू, एक गाजर लिया हुआ है मैंने, इसको इस तरह से कट कर लिया है, थोड़ी सी मैंने फूलगोभी जितना आपको चाहिए उतना, एक शिमला मिर्च, प्याज मैंने मीडियम साइज़ का 1 लिया था, उसमें से आधा ये है और आधा ये है, इसको मैंने थोड़ा पतला स्लाइस किया हुआ है, ये मोटा स्लाइस है, इसको हमने बॉयल करना है और ये हम थोड़ा सा स्टफ लाके रखेंगे। मटर आपको जितने चाहिए उतने, मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितने लिए हुए हैं। ये है अदरक लहसुन, हरी मिर्चें और बुलेट चिली, जो कढ़ाई वाली चिली होती है वो, 2 मैंने कढ़ाई वाली चिली ली हुई है, 3 मैंने स्पाइसी वाली चिली ली हुई है, 3 जवे मैंने लिए हुए थे लहसुन के, और 1/2 इंच का टुकड़ा जिंजर का, ये मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। मसालों में हमें चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, धनिया 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून, ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये है तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, या जो घर में आप मेथी ड्राई करके रखते हैं वो, ये मेरे पास घर में ड्राई की हुई मेथी है। एंड में जाएगा इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया है, गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, प्याज, सूखी वाली लाल मिर्चें, आलू, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के इसको बॉईल कर लूँगी जब तक कि ये हमारी मिर्चें थोड़ी सी नरम नहीं हो जाए। ये देखिए हमारी सारी सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, आलू और ये मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो गई, लहसुन भी सॉफ्ट हो गया और पानी भी खुश्क हो गया, इतना सा बचा है। ये सारी चीज़ों को मैं निकाल के, थोड़ा सा ठंडा होगा इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी पेस्ट फॉर्म में। ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है एक कढ़ाई में, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा साबुत वाला, अच्छा लगता है मुझे सब्ज़ियों में। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। मैंने इसको बहुत बराबर शेप में नहीं काटा हुआ है, इसी तरह से जस्ट नॉर्मल कट कर लिया है। प्याज थोड़ा सा हमारा हो गया, मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और बुलेट चिली जो हमने चॉप की हुई थी, मैंने चॉप कर ली थी, ये फ्रेशली चॉप करने से ज़्यादा मज़े का खाना बनता है, इस वजह से मैंने फ्रेश किया। आप इसके अंदर अगर चाहे तो पिसा हुआ आपके पास पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। चॉप मसाले थोड़ी देर हुए, तकरीबन 30 सेकंड तक हमने इसको फुल फ्लेम पे किया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, गाजर, मटर। ये सब्जियां थोड़ी सी देर से गलती, इस वजह से मैंने इसको पहले डाला, थोड़ा मैं इसको स्टर कर लूँगी अच्छे से। अगर आपको फूलगोभी भी आपको ज़्यादा गलानी है तो इसी स्टेज पे डाल दीजिएगा, अगर ज़्यादा नहीं गलानी तो थोड़ी सी देर बाद करिएगा। मैंने इसको कवर करके तकरीबन 1 मिनट तक रखा, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हमारे फूलगोभी, जो हमने ये प्यूरी मैंने जो कर ली थी, जो
मसालों की, हमारे बॉईल किए हुए मसालों की, ये डाल देंगे हम इसमें। लाल मिर्ची, जीरा, धनिया और हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं कवर कर लूँगी। फ्लेम स्लो कर दूँगी ताकि सब्जियों का पानी रिलीज़ हो और हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना पड़े। मेरी सब्ज़ी नियरली डन होने आई है, मैंने चेक कर लिया, मैंने इसको ढकना खोला। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना मैंने पानी मिलाया। इसके अंदर मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, ये हमारी कसूरी मेथी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको अब जितनी सब्जियां नरम चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी मिलाएंगे। मैंने चेक किया, मुझे बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। गाजर भी हो चुके हैं इस तरह से, थोड़े क्रंची वाले मुझे अच्छे लगते हैं। फूलगोभी भी हो चुकी है और आलू भी हो चुके हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा कम पानी मिलाया। इसको मैं वापस से कवर कर दूँगी और जब तक शिमला मिर्च सॉफ्ट नहीं हो जाते उतनी देर रखूँगी और उसके बाद ये डिश आउट के लिए रेडी है। ये रेडी हमारी मिक्स सब्जी। इसको मैं घर की रोटियों के साथ सर्व करूँगी, आप तंदूर की रोटियों के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।